अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप तमाम देखने वालों को मेरे इस नए व्लॉग में खुशामदीद। जब दोस्तों आज ये मेरा भांजा आया है और जो पिछली वीडियो में थे वो छोटी सिस्टर के थे और ये बड़ी सिस्टर का है। और इसका क्या नाम है जी? मोहम्मद इफ्ताह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? नर्सरी में पढ़ते हो। ये नर्सरी में पढ़ता है जी। माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह। ये देखिए कितना प्यारा है माशाल्लाह। थोड़े दिनों बाद केजी में हो। अच्छा, थोड़े दिनों के बाद केजी में हो जाने हैं। शाबाश, वेरी गुड जी। थोड़े दिनों के बाद इसके एग्जाम्स हैं और इसने पोजीशन कौन सी लेनी है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फर्स्ट पोजीशन लेनी है, वेरी गुड, शाबाश। अगर फर्स्ट पोजीशन लेगी ना तो फिर मामू आपको गिफ्ट देंगे, ठीक है? पक्की बात है, लेनी है कि नहीं लेनी? चलो जी ठीक है जी। हमारा इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है कि अगर इसने फर्स्ट पोजीशन ले ली तो फिर मैं इसको गिफ्ट दूंगा। क्या बात है। अच्छा दोस्तों, आज मैं ना आपको दो चीजें दिखाता हूँ। एक चीज दिखाता हूँ और एक चीज बताता हूँ। जो दूसरी बात है ना वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, तो मैं पहले आपको ये चीज दिखाता हूँ। ये चीज आपको नजर आ रही होगी, ये मेरे हाथ में क्या है? ये है जी कैपुचिनो, होम मेड कैपुचिनो। ये देखें जनाब, बड़ी बेहतरीन मजेदार। आप घर में भी इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये बड़े बड़े होटलों में काफी महंगी मिलती है, तो ये आप इसको घर में आसानी से 5 मिनट में इसको बना सकते हैं। ये देखें जी कितना मसाला इसके खूबसूरत है। ये देखें जी, ये देखें जी, वाह जी माशाल्लाह। ये देखें जी क्या खूबसूरत जना ऊपर झाग आई हुई है। बिल्कुल इसमें कोई बता नहीं सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि ये ना घर की नहीं है, ये बिल्कुल घर की है, इसमें कोई फर्क नहीं कर सकता। तो ये देखे माशाल्लाह क्या खूबसूरत इसका रंग है, कैसा ये ऊपर देखें झाग आई हुई है। अब इसको थोड़ा सा मिलाते हैं, ये देखें माशाल्लाह धुएं निकल रहे हैं जी, नजर आ रहे होंगे आपको। तो ये देखें जी, अभी इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसा टेस्ट है इसका। मैंने तो वैसे काफी बार पी हुई है पहले, मैं अक्सर ये पीता हूँ। मैंने कहा चलो आपके साथ भी आज शेयर करता हूँ। मजेदार, A1। Nice. जैसे वो 3 स्टार होटल की होती है ना, मैं कहता हूँ सेम टू सेम वही टेस्ट है इसका। ये 5 मिनट में, कम से कम 5 मिनट में बन जाती है ये, कोई इसको बनाना मुश्किल नहीं है। अच्छा अभी ये कॉफी पी रहे हैं जी। अनी मोहम्मद जी आपने पीनी है? बच्चा अच्छा, आप बच्चे अभी कॉफी नहीं पीनी? वेरी गुड, देख लो जी बच्चा ये कह रहा जी मैं कॉफी मैंने नहीं पीनी, मैं अभी छोटा बच्चा हूँ। शाबाश बेटा। अच्छा दोस्तों, दूसरी जो बात है ना वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं सोया हुआ था सुबह के टाइम, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 8:30 का टाइम था। मुझे एक नंबर पे फोन आया, बड़ा यूनिक सा नंबर था, बड़ा गोल्डन सा नंबर था। मैंने सोचा, मैंने कहा पता नहीं कौन सा नंबर है। पहले तो मैं उस नंबर को देखता रहा, मैंने कहा पता नहीं किसका नंबर है यार, इतना गोल्डन नंबर है किसका नंबर है, मुझे नहीं था इस चीज का पता। तो फिर आखिर में मैंने उसको कॉल को अटेंड किया, मैंने कहा चलो देखता हूँ किसका फोन है। जैसे ही मैंने हेलो किया तो आगे से आवाज आई जी, मैं जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा मैं क्या थोड़ी खैर। मैं दिल च सोचा, मैं क्या यार कितने मियां साहब का नंबर कितने गलती नाल ते नहीं मैनू लग गया, कि मियां साहब ने हो सकता कितने और फोन किया है ते मैनू लग गया है। अरे कहना क्या चाहते हो? ते फिर मैं ये सोचण दे हां ते मियां साहब कहंदे जी तेना तुसी 8 फरवरी जणा ना वोट सानू दियो, असि इस वास्ते जणा ना तुहाडी गैस बिजली महंगाई लोड शेडिंग इस चीज नु कट करांगे। मेरे दिल च आई, मैं क्या ठीक है मियां साहब तुहानू वोट दे दिंदे आ असीं, ते मेरे दिल च आया मैं सवाल करा नहीं लगा, तो मियां साहब फोन बंद करके जिहड़ा ओह भेजांदे जे। मैं हुण मियां साहब कोले सवाल करना सी, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर तुहानू असीं वोट दे दईए ते अगर तुसीं फिर भी ना जीते ते फिर तुसीं इत्थे पाकिस्तान च रहोगे कि नहीं? वोट हमेशा ठीक है, हालांकि नवाज शरीफ के दौर दे विच बड़े काम होए ने, बड़े तरक्कियाती काम होए ने, इस चीज दे विच कोई शक नहीं हैगा, लेकिन हमेशा वोट उहनू दिओ कि जेड़ा तुहाडे पाकिस्तान दे जेड़ा ना कदर करदा है, पाकिस्तान दे वास्ते खैर खाए, हमेशा उन्हें वोट दिओ। मैं नहीं कहता तुसी नून लीग नूं दिओ, पीटीआई नूं दिओ, पीपल पार्टी नूं दिओ, ये तुहाडा अपना जेड़ा ना मकसद है, अपनी सोच तुहाडी, ते हमेशा वोट उन्हें दिओ कि जेड़ा तुहाडा तुहाडे मुल्क वास्ते खैर खाए, तुहाडा खैर खाए, जेड़ा तुहाडे बारे सोच। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मैंने बेल के बटन को भी दबा दें, हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें। इत्तला बोलो अल्लाह हाफिज, जोर से बोलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।